भाषण करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, आने वाले समय में देश में अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार होने वाला है। इससे छोटे शहरों और कस्बों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तो होगा ही, नौजवानों को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। इसकी एक बड़ी वजह से आयुष्मान भारत योजना है। कुछ लोग इसे मोदी केयर भी कहते हैं। इसकी सफलता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब हर दिन करीब करीब 10,000 गरीब इस योजना के तहत इलाज करवा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो चार चार पांच पांच दस दस साल से बीमारी से जूझ रहे थे, गंभीर मुसीबतों का सामना कर रहे थे, पैसों के अभाव में मृत्यु का इंतजार करते थे और पीड़ा सहन करते थे। भाइयों बहनों, गरीब जाए तो कहां जाए? आखिरकार आयुष्मान भारत योजना ने इतनी तेजी से इस पीड़ित लोगों की मदद की है। और घर में एक व्यक्ति बीमार होता है, गंभीर बीमारी में होता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई खाने में चली जाती है, घर के सारे काम बेकार हो जाते हैं। इन सबको बचाने का काम आयुष्मान भारत योजना, जिसे लोग मोदी केयर कहते हैं, उसने किया है। और अभी तो 100 दिन के अंदर अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 100 दिन के भीतर ही करीब 7 लाख गरीब बहन भाइयों और बच्चों का इलाज या तो हो चुका है या अस्पताल में ऑलरेडी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसके लिए प्रतिबद्ध है। अगर कमाई की बात करें तो आगरा सहित यूपी का करीब करीब हर जिला अपने मध्यम और लघु उद्योगों के लिए जाना जाता है। आगरा का पेठा, ये तो यहां की पहचान ही है।